सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी। और मुझे पता है कि बहुत टाइम से मैंने कुछ भी वीडियोस अपलोड नहीं किया है, जिसका मेन कारण यही था कि अगस्त को 20 तारीख को मेरा पहला शो था एनपीसी का, मिस्टर आसाम का। और बहुत कुछ उसके लिए मैंने प्लान किया था, लाइक मैं शो डे व्लॉग वगैरह बनाऊंगा और भी बहुत कुछ। लेकिन वो एक सिंस वो अपना पहला शो था, और उस कह सकते हो एक अंदर ही अंदर अपना जो कंडीशन था फिजिक का, वो देख के एक कॉन्फिडेंस तो था ही, लेकिन साथ ही साथ एक नर्वसनेस तो था ही, क्योंकि पहला शो है और वो भी स्टेट लेवल का कंपटीशन। तो मुझे ऐसा लगा कि यार, अभी अगर मैं कार्ब लोडिंग का वीडियोस डालूंगा तो क्या फेल होगा, पास होगा, अपना बॉडी अच्छे से रेस्पॉन्ड करेगा या नहीं। तो उस वजह से भी एक वो था कि अरे, खुद कुछ कर नहीं पाएंगे तो फिर लोगों को क्या ज्ञान पे लेंगे। बट जो भी हो, टेंट्रेन थोड़ा सा इसको फोकस करवा लेते हैं। ये है अपनी मेहनत का फल। तो फर्स्ट शो एंड इट्स सिल्वर फॉर अस इन एनपीसी मिस्टर आसाम क्लासिक फिजिक कैटेगरी में। तो बहुत ही अच्छा फील हुआ था शो के बाद। और इस वीडियो में मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा आपसे कि अभी आज 11 तारीख है सितंबर, और कल मेरा एक और शो है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल चैम्पियनशिप है। तो सिंस जो मेरा पहला शो था 20 को और ये जो शो है, इसके बीच में लगभग अराउंड 3 वीक्स का गैप था। तो मैंने सोचा कि बॉडी रेडी है तो चलो क्यों ना खेल लिया जाए ये भी। तो इस वजह से वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड गोइंग फॉर अनदर विक्ट्री टुमारो। तो देखते हैं क्या होता है। और ये बस एक अपडेट का वीडियो था। तो अभी तो मेरा कार्ब लोडिंग चल रहा है और इसके बारे में भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। वीडियो ना बनाने का जो मेजर कारण है, ये वही है कि यार, संडे को था कंपटीशन, उसके बाद मंडे को तो क्या मैं वीडियो बनाता, फिर से ऑफिस ज्वाइन करना पड़ गया, और एक 9 to 5 करके फिर अपना फिजिक मेंटेन करने के लिए, होल्ड करके रखने के लिए, फिर से डाइट मैनेज करो, फिर से जिम में जाओ कार्डियो। तो आप समझ ही सकते होगे कि कितना हैक्टिक हो सकता है। बट सिंस वी लव दिस स्पोर्ट, आई लव दिस स्पोर्ट एंड यू आर वॉचिंग मी, सो यू ऑल्सो लव दिस स्पोर्ट, तो हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। अभी तो कुछ खास यूट्यूब के कॉन्टेंट बनाने के लिए मैं टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आगे जाके वो भी मैनेज हो जाएगा। तो ये बस एक अपडेट वीडियो आपको देना था। एक गुड न्यूज़ यही था कि ये अपना हम जीत गए हैं, तो ट्राई करेंगे कल भी अपना बेस्ट है और कल भी जीत जाए फिर से। तो ये, और चाहे गुड न्यूज़ हो बैड न्यूज़ हो, सब कुछ तो मैं आपसे शेयर करता ही हूँ। तो इसको एक प्रोग्रेस नहीं कह सकते, इसको एक अपडेट वीडियो डाल लीजिए, मेरे साइड से एक अपडेट ही समझ लीजिए। और कल का जो शो होगा उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल में मैंने क्या क्या किया पीक वीक में, कार्ब लोडिंग कैसे किया, क्या किया लास्ट मोमेंट में, क्या क्या मैंने यूज़ किया है, कि जस्ट सो दैट आई कैन नेल द स्टेज कंडीशन। लाइक मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा और स्टेज में आई वॉज लुकिंग द मोस्ट कंडीशन एंड शार्प एंड ड्राई ऑन स्टेज। तो जो भी हमने किया, इसका मतलब कि हमने सही किया, हमको नॉलेज हो चुकी है कि हाउ थिंग्स वर्क इन अ बॉडी बिल्डिंग परस्पेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि कल का शो होने के बाद मैं उसी वीक के अंदर ट्राई करूँगा वीकेंड को ही सब कुछ डिटेल में मैं आपसे शेयर करूँ, ताकि आप भी अगर चैम्पियनशिप पे पार्टिसिपेट करते हो तो आपको भी उससे मदद मिल सके। तो अभी हो रहा है टाइम 11:30, और कार्ब लोडिंग मैंने स्टार्ट किया है 6:30 सुबह से, और ऐसे करते करते रात 8:30-9 बजे तक मेरा लास्ट मील होता है। 5 मील्स में मैंने डिवाइड करके रखा है कार्ब लोडिंग के टाइम पे। तो अभी 11:30 हो रहे हैं, तो मैंने लास्ट जो मील लिया था वो 10 बजे को लिया था,
तो अभी मैं 1 या 2 बजे के आसपास नेक्स्ट मील लूंगा अपना। तो अभी टाइम है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जब तक मुझे भूख ना लगे मैं लोड ना करूँ। उसका भी एक कारण है जो, और वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, डोंट वरी। तो अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।